हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड जय श्री राम। तो आई होप दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स हमारी आज की एक और वीडियो में। आज मैं फिर आप लोगों को टेलर की शॉप यानी टेलर की दुकान है जो विजिट कराने वाला हूँ। मशीन भी पड़ी हुई है और कपड़े भी कुछ सिलाई किए हुए पड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो शॉप चलाने वाले भाई हैं हमारे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाता हूँ। और उनका नाम है सागर राम, तो सागर राम से भी मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। सही है, तो फाइनली आ चुके हैं हमारे भाई सागर राम। क्या हाल है सागर भाई, कैसे तो ठीक है? ठीक ठाक। ये क्यों भाई आप हमारे पास आए यार, चाय ठंडा तो पिए है ना। तो फ्रेंड्स देखे जी, सागर भाई का प्यार है, हम इनकी शॉप पर आए तो ये ठंडा लेकर आए हैं। इतना बड़ा ठंडा लेकर आए हैं, इतना पी होगा यार। एक गिलास आपने पीना है, एक मैंने, कुछ भाई ने, एक बाद में पी लेंगे, 50-50 कर लेंगे थोड़ा सा। सही सही। तो फ्रेंड्स हमारी तरफ से आप सबको जो है होली नज़दीक है, तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। सबसे पहले तो मेरा नाम सागर जी है, ठीक है, तो ये मेरी शॉप है, और इसके अलावा जो मैं पार्ट टाइम निकाल के व्लॉग भी बनाता हूँ, ठीक है। सागर भाई हमें अच्छे तरह से दिखाएं सूट की सिलाई क्या है, यानी सूट कैसे सिलाए जाते हैं, क्या कुछ है ये हमें दिखाएं थोड़ा सा। हमारे देखने वाले दोस्त हैं वो भी देखें। जी जी, दिखा दो, आ जाएगा। ये देखें, ये सिलाई मैंने किया हुआ है अभी। हाँ। ये सिंगल सिलाई है, ठीक है, सिंगल सिलाई है जी, को बोलते हैं सिंगल सिलाई। सिंगल सिलाई एक सिलाई है, और दूसरा ये देखे, ये डबल सिलाई है, ये दो जगह सिलाई में लगा किया हुआ है, लेकिन वो काउंटर में है, ठीक है। सही। ये वाला, ये डबल सिलाई है। ये डबल सिलाई है, इसको निकाले। ये देखें, ये डबल सिलाई, इसको वो डबल सिलाई बोलती है। डबल सिलाई की क्या कीमत आप ले रहे हैं सिलाई करने की? इस टाइम जैसा के सीजन है, होली भी है, ठीक है, तो हम 1000 रुपए ले रहे हैं सूट की सिलाई। एक डबल का 1000 रुपए, और इसकी 800 रुपए ले रहे हैं। इस सिंगल सिलाई की 800 रुपए? जी जी, 800 सिंगल सिलाई की। कितने मीटर में सूट बन जाता है? 4 मीटर में, बड़ा 4 मीटर में, और छोटा हो तो उससे कम लगता है कपड़ा। यानी छोटा हो तो छोटे के हिसाब से, बड़ा सूट एक मुकम्मल सूट 4 मीटर में। जी 4 मीटर में, और कई है जो शौक से 6 मीटर का भी बना लेते हैं, वो बड़ी सलवार बना लेते हैं, पटियाला सलवार जिसको बोलते हैं। तो जब आपने काम ये शुरू किया था सागर भाई? जी जी। बैठ जाते हैं यहाँ पर? हाँ बैठे बैठे। ये मशीन जो आप कितने में लेकर आए थे? नहीं, मैंने उस वक्त जो है 35,000 की ली थी। हाँ, अभी तकरीबन ये 50,000 की है। 50,000 की होगी अभी। 50,000। तो ये सागर भाई आपने बैनर अंदर लगाया है, ये देखिए ना, सागर टेलर का टेलर। तो फ्रेंड्स ये भाई का नाम उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ये उर्दू में, ये इंग्लिश में, और ये मेरी दो लाइनें हैं। वक्त बदलता है लेकिन वक्त लगता है, वक्त लगता है। तो मुझे पसीना भी आ रहा है। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा चला दे क्या? ठीक है, सुनाओ कैसा रहा सफर? सफर बहुत अच्छा रहा, हमें दिल किया मिलने का, तो आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं अभी हम। और आपका काम भी बहुत नाइस चल रहा है, अभी अच्छा चल रहा है, होली आ रही है इसी वजह से। तो सागर भाई आप एक दिन में कितने सूट बना लेते हैं कपड़ों के? एक दिन में मैं 4 सूट बना लेता हूँ। और यहाँ पर कोई बिजली वगैरह की दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, बिजली नहीं जाती है। तो आप अभी 800 एक सूट की ले रहे हो, जो डबल सिलाई उसकी 1000 पे सिलाई ले रहे हो, और इस पे खर्चा यानी जो धागे वगैरह का, बिजली का खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा होता है तकरीबन 400-500 खर्चा आ जाता है, 500 आपकी मेहनत की मजदूरी। तो यानी सही चल रहा है कुछ ना कुछ? जी जी, गुजारा हो रहा है जी। 1000, 1200, 1500, 2000 भी कमा लेते हैं दिन का, सीजन में, सीजन में 2000 भी कमा लेते हैं। अभी दिन में कितने आ जाते हैं? 400-500 मिल जाते हैं? 4-5 मिल जाते हैं। अभी हम ले नहीं रहे ना, बुकिंग बंद कर दिया, होली की जो है बुकिंग बंद कर दी है, उसके आगे जो बोलते हैं होली के बाद चाहिए तो उनसे ले लेते हैं, जो है इनके पास उसको पहले टाइम दे रहे हैं और उनको सिलाई कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादातर ये कपड़े ही पहनते हैं, 75% जो लोग हैं कपड़े पहनते हैं, और 25% जो लोग हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं, यानी कम ही पैंट शर्ट पहनी जाती है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स सागर भाई लेकर आए हैं कोल्ड ड्रिंक, अभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और ये जी नीम को दाल, हमारे पाकिस्तान की नीम को दाल, इस तरह से सलवा भी बोलते हैं इसका ना? नाम इसका सलवा है। ये पहले तो ये कोल्ड ड्रिंक अभी 50 की है, पीते हैं इसको, फिनिश करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें जी, अलमारी के अंदर सूट्स, ये सागर भाई सूट सिलाई किए हुए पड़े हैं या सिलाई करने वाले? ऊपर जो है सिलाई कर रहे किए हुए हैं। हाँ। और नीचे जो है सिलाई करने हैं अभी, ये सिलाई करने के लिए पड़े हुए हैं, ये सिलाई ये भी, ये कपड़ों में जो भी सिलाई करने वाले।
ये भी सिलाई करने वाले जी। महादेव शिव शंकर और गणपति बप्पा मोरिया शॉप के अंदर ये तस्वीरें भी लगाई हुई है। हाँ, सुबह आते हैं इधर अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं बाल अपने, नमस्कार करते हैं फिर काम शुरू करते हैं। सही, ये देखिए निम को दाल खा रहा है, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ये रमेश भाई, रमेश भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, आपने बाल तो बहुत अच्छे बनाए हैं यार। बाल फैशन है, फैशन है ये। हाँ, ये कैसे हो गए लाल इतने? ये ब्लीच लगाई है, ब्लीच लगा के फिर मेहंदी लगाई है। पहले आपने ब्लीच लगाई है, उससे थोड़े से भूरे हो गए बाल, भूरे हो गए, फिर ऊपर मेहंदी लगाई है। हाँ, ऊपर मेहंदी लगाई है। ये देखिए वेरी नाइस, ये भी अच्छा स्टाइल चल रहा है। और इस तरह से ये देखें यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, ये गली है इस तरफ, और इस तरफ ये देखें जी और भी दुकानें हैं बहुत गली के अंदर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो सागर भाई, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दोस्तों को? हम तो भाई ये कहना चाहते हैं कि देखें, आप इतनी दूर से आए हमें मिलने के लिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे पास आए मिलने के लिए। तो दूसरी बात के हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी हिंदू यूट्यूबर हैं, तो वो जो अपना पार्ट टाइम निकालते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि उनका जो है हौसला अफजाई और मज़ीद वो अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे। तो जब आप लोग एक सब्सक्राइब करते हो ना किसी को भी, तो उनका जो है बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होता है। कहता है कि आज देखें जी एक आ गया, दूसरे दिन अच्छी वीडियो बनाते हैं तो दो आ जाएंगे, इस तरीके से। तो मेरा तो कहना यही है कि आप प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए, जितने भी छोटे हो बड़े हो सब सबको सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, सागर भाई का भी यूट्यूब का चैनल बना हुआ है खुद का भी, और आपने चैनल का नाम क्या है? मेरा नाम, चैनल का नाम है सागर राम ब्लॉग। सागर राम ब्लॉग से काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, ये भी अपना ये भी काम करते हैं, और पार्ट टाइम निकाल कर फिर वहाँ पर भी व्लॉगिंग भी करते हैं। सही है, यहाँ परमानेंटली कोई भी नहीं यूट्यूबर है, पार्ट टाइम ही यूट्यूब को दे पाता है जी। मेरी बात ये है कि देखे ना, मैं ये काम छोड़ के जाऊँगा कहीं पे व्लॉग बनाने के लिए, अगर उस पर जो है व्यूज नहीं आएंगे, उस पर जो है लोग दिलचस्पी नहीं करेंगे, तो मैं जो है डिमोटिवेट होकर इधर बैठ जाऊंगा कि भाई कोई देखता तो नहीं है यार, कोई सपोर्ट तो नहीं करता, मेरे जाने का क्या फायदा। सही, सही। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हो ना, तो हमारा बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होता है। तो हमें जो ये काम से फुर्सत निकालनी पड़ती है कि देखने वाले हमारे भाई इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो हम जाए और व्लॉग बनाए, व्लॉग बनाए। तो सागर भाई का चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, जरूर विजिट करना और जरूर इन्हें भी सपोर्ट करना। आप लोग एक बात जरूर देखें, इनका जो चैनल है काफी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। शादी हो गई और जैसे होली आ रही है, दिवाली हो गई, इनके जो है व्लॉग अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं। आप देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हम किस जगह पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखा करें, हमें बताया करें कि भाई किस तरह का जो है व्लॉग बनाना चाहिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो हम जो है अपना टाइम निकालेंगे और व्लॉग बनाएंगे उस तरह का, फिर व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो भाई को जो भी हमारा सब्सक्राइबर है, भाई को कमेंट भी करेगा और भाई की वीडियो को देखेगा, सही है। तो आप लोगों ने सपोर्ट इन्हें भी करनी है। तो वीडियो को करते हैं ख़त्म यहीं पर, धन्यवाद।